सबसे पहले तो आपको हेडशॉट मारना आना चाहिए। चलिए आप एक्सपर्ट ना हो हेडशॉट में, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत हेडशॉट मार सकें, इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जाकर, ताकि आप हेडशॉट थोड़ा बहुत मार सकें। क्योंकि क्लास स्क्वाड में आपको अगर हेडशॉट मारना नहीं आता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो शुरू शुरू में फर्स्ट और सेकेंड गेम प्ले होता है उसमें आपको हेडशॉट मारना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो आपको शॉट गन ही मिलता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप क्लास स्क्वाड कैसे खेल सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक की बात करने वाले हैं, जो लोग बिल्कुल ही बिगनर हैं, अभी अभी फ्री फायर खेलना स्टार्ट किए हैं, उनके लिए मैं कुछ बेहतरीन टिप्स देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा टिप्स था कि आपको हेडशॉट मारना आना चाहिए। इसके ऊपर हम बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि आप कैसे इजीली हेडशॉट मार पाएंगे, लेकिन फिलहाल इसमें हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक की बात कर लेते हैं। हेडशॉट के बारे में आपको पूरा डिटेल वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा टिप्स हमारा ये है कि आपको ग्लू वॉल लगाना आना चाहिए। जी हाँ, अगर आप परफेक्ट ग्लू वॉल नहीं लगा पाते हैं तो आपको क्लास स्क्वाड खेलने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि क्लास स्क्वाड खेलते वक्त क्या होता है कि बंदे बहुत ज़्यादा छिप जाते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे बिल्कुल छिपे रहते हैं, पता ही नहीं चलता है, और आपके ऊपर अचानक से रश कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो आपको ग्लू वॉल लगाना आना चाहिए, ताकि आप थोड़ा बहुत ग्लू वॉल लगाना सीख जाएंगे तो आप थोड़ा बहुत, मान लीजिए अगर कोई डैमेज करता है उसके बाद से अगर आपको आधा डैमेज कर देता है, तो आधे डैमेज के बाद भी आप ग्लू वॉल लगा पाएँ और अपने आप को सेफ कर पाएँ। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे आप देख लीजिए, मुझे डायरेक्ट कोई आकर मार दिया है, वहाँ बंदा छिपा हुआ था, मुझे दिखाई नहीं दिया और उसने डायरेक्ट आकर मुझे किल कर दिया। तो इस तरह से आपके साथ भी हो सकता है कि कोई भी बंदा कहीं भी छिपा रहता है, और मान लीजिए अगर आप रश करने जाते हैं तो अचानक से बंदा बाहर आता है और आप पे रश कर देता है और आपको फिनिश कर देगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत तेज़ी से ग्लू वॉल लगाना आना चाहिए। ग्लू वॉल लगाने के लिए आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बिल्कुल आप अभी अभी खेलना स्टार्ट किए हैं तो आप सबसे पहले क्या करिए कि आप दूर से ही निशाना बनाइए। जी आप कोई भी शॉट गन मत लीजिए, कोई अच्छा सा गन लीजिए जो लॉन्ग रेंज में अच्छे से शॉट लगाता हो, उसको ले लीजिए और अच्छे से जगह पे बैठ जाइए, कहीं दूर ही से निशाना लगाइए, बिल्कुल आप पास में रश करने मत जाइए। जैसे आप देख लीजिए बंदा पास ही में गया है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा दूरी मेंटेन करना है और कहीं दूर ही बैठ जाना है, ताकि आप आसानी से किल कर पाएँ, फिनिश कर पाएँ। और मान लीजिए जब आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आ जाए तो आप भी रश करना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप अपने टीममेट के साथ जाइए, आप अकेले रश मत करिए। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आप अपने टीममेट के साथ जाइए। अगर आप अपने टीममेट के साथ जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप अपने टीममेट के साथ जा सकते हैं, आप अकेले मत रस करने निकल जाइएगा, नहीं तो आप मारे जाएंगे। तो इस बात को अभी आपको ध्यान रखना है। और शुरू शुरू में आपको रैंक नहीं खेलना है। जी हाँ, मान लीजिए अगर आप नए नए फ्री फायर खेलना स्टार्ट किए हैं तो आपको रैंक नहीं खेलना है, आपको नॉर्मल खेलना है। रैंक में बहुत ही प्रो बंदे आते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि रैंक में एक से बढ़ के एक बेहतरीन प्लेयर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप ज़्यादा टाइम टिक भी नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, रैंक तो बिल्कुल खेलना ही नहीं है, आपको नॉर्मल ही गेम प्ले करना है। तब तक गेम प्ले करना है जब तक आपको लगे नहीं कि आप थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं फ्री फायर क्लास स्क्वाड खेलने में। जी हाँ, और आपको साथ ही साथ जो ट्रेनिंग ग्राउंड है उसमें जाकर आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है। अगला टिप्स हमारा ये है कि अगर किसी भी बंदे को आप किल करते हैं तो सबसे पहले आप मेडिकिट लीजिए, उसके बाद चेक करिए कि उसके पास कहीं ग्लू वॉल तो नहीं है। दो चीज़ें आपको ले ही लेना है, एक मेडिकिट और एक ग्लू वॉल, क्योंकि ये दोनों बहुत ही काम आता है क्लास स्क्वाड में, क्योंकि क्लास स्क्वाड में आपको सिर्फ दो मेडिकिट मिलता है और तीन ग्लू वॉल आप खरीद सकते हैं अगर आपके पास पैसे बचते हैं तब। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, किसी भी बंदे को अगर आप किल करते हैं तो सबसे पहले चेक करिए कि उसके पास मेडिकिट है कि नहीं, और मेडिकिट होने के बाद आप ग्लू वॉल चेक करिए। अगर दोनों चीज़ आप ले लेते हैं तो आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। आप दो चीज़ें जरूर ध्यान में रखिए, एक तो मेडिकिट, दूसरा ग्लू वॉल। किसी बंदे को मारने के साथ साथ आप उसको लूट लीजिए और चेक करिए उसके पास क्या क्या है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि